हेलो माय यूजू फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ और राहुल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अपने गाँव आए हुए हैं, अपने घर आए हुए हैं। घर आए थे किस लिए? घर की शादी थी घर में, इसलिए आए हुए थे। और चलिए, जिस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ वही बज गया है, 11:30 बज रहा है। तो चलिए, हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। अगर किसी कपल्स को किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, जैसे मैं रूम, जॉब या फिर कोर्ट मैरिज करना हो, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सस्ते सस्ते में कोर्ट मैरिज करवाते हैं और अच्छा रूम भी दिलवाते हैं और जॉब तो दिलवाते हैं आप सभी को। हमारा जॉब का चैनल है राहुल जयकर जॉब्स, आप उस पर जाकर विजिट कीजिएगा। जिसको भी जॉब की ज़रूरत हो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं क्या कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ वहाँ पर बताया गया डिटेल्स में। तो चलिए मिलते हैं इसी ब्लॉग में ही। हाँ जी भाई, सो देखिए बेचारी निशा का थोड़ा बहुत लगता है तबीयत खराब है, अभी इसके लिए मैं दवाई ला के याद वो रख रहा हूँ। और फिलहाल ये जो है निशा जी अभी खाएगी ये ब्रेड, हमारे घर के पास एक पंडित जी का दुकान, वहीं से लाया हूँ निशा के लिए ब्रेड। ये रहा चटनी, अहिला अहिला के सारा चटनी इसी में लगा देगी तुम। नहीं मिक्स है, तीखा वाला नहीं है ये, तीखा तुम नहीं बोली थी तो हमको पता है तुम तीखा नहीं खाती है। देखो थोड़ा सा दबाए नहीं, सब बादाम के कारण ऐसा हुआ, कलर बादाम का भी डाला है। निशा का जो है बेचारी का फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में, भी वो खा रही है। थोड़ा तबीयत उसका ख़राब सा है इसलिए बेचारी अभी सो करके उठी थी, रेस्ट कर रही थी। तो देख लीजिए बाकी इसको खाने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे बढ़िया से। ये देखिए इधर 10 रुपये देता है, दिल्ली में भी 10 रुपये ही देता है, ऐसा नहीं है, पर बहुत जगह पे 15 रुपये भी देता है इसी का प्राइस। तो देखिए निशा जी के लिए लाए दोबारा जा कर के चटनी, उसे तीखा लग रहा था जबकि इसे तीखा पसंद है, फिर भी इस बार मैं मीठा सिर्फ केचप लाया हूँ। तीखा पसंद है लेकिन वैसा वाला तीखा नहीं पसंद है, एकदम पूरा एकदम चाखेंगे तो पूरा मुँह लाल हो जाएगा, कान से धुआं निकलने लगेगा। इतना खतरनाक तीखा था? हम खाए कभी बर्गर तो थोड़ा सा तीखा दिया था मुझे। सो देखिए अभी माइक वाइक देखो लगा हुआ है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो अभी आप लोगों के लिए जॉब के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। जॉब के चैनल पे हम वीडियो डालते हैं ना, जिसका नाम है राहुल जयकर जॉब्स। अगर जो आप लोग नए हो तो जान लीजिए हमारा एक जॉब का भी चैनल है, जिसपे सिर्फ जॉब की ही जानकारियाँ शेयर करते हैं। और फिलहाल हमारे लिए निशा जी देखिए इतना सारा खाना, लगता है उझल के लाई है एकदम यार, जैसे तैसे इतना बड़ा थाली। ओ भाई गरम गरम चावल था ना, तो ठंडा होने के लिए लाए बड़ा वाला थाली में। ओ भाई तो खिलाना नहीं यार। तो ये देखिए खाना आया हमारे लिए, अभी मैं खाऊंगा, उसके बाद फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज जो टॉपिक पे मैं बनाया वो गार्ड वाला टॉपिक था, कि गार्ड के लिए जॉब कैसे ढूंढे, गार्ड वगैरह के बारे में मैं बताया था, ठीक है। सो अभी देखिए ये रहा मेरा टॉपिक, इसमें लिख करके रखता हूँ क्या क्या टॉपिक चाहिए होता, आप लोग कमेंट करते हैं उसके बाद उसको लिख लेते हैं कि नहीं। सो चलिए बाकी बैठ करके अभी हम लोग खाना चालू करते हैं। गायत्री यहाँ लगा दो कंबल दिखा दो मेरे लिए। अरे खुदे खा रही है, हमको बोली थी लाइए खिलावे लिए। हाँ यहाँ कैसा है खाना? बैठे तुम्हारा स्टाइल बात देख के गजब लग रहा है यार। भूख लग रहा था मेरे को, ये लग गया, बिछा दो यहाँ पे, बिछाओ बड़ा मम्मी बैठ जाएंगे अच्छा से। हाँ ये सब बेडशीट लाए हैं दिल्ली से ने, ढेर बेडशीट लेकिन घरे में निकाला हुआ है, हम सोचे थे मम्मी सब रख दी है, और मम्मी तो पैके कर दी थी, बाद में लगता है निकल गया। इधर से बिछाएंगे तेरी हवा, चलो लो। हाँ चलो यहीं बैठते हैं निशा, आ जाओ। ये रस्सी बांध दिया है सबकी, कपड़ा उपड़ा पसारेगा इसमें ना। चलो यार पता हम पहले छत पे सोते थे अपना, बहुत अच्छा लगता, लेकिन हम नहीं रहते हैं गर्मी दिन में, अब वहाँ भी छत पे नहीं सोते, अब तो कूलर में सोते हैं, है कि नहीं? कूलर वाली लड़की तुम, एसी वाला लड़का। ओ भाई चलो खिलाओ। अच्छा कहो कुछ कहने वाले थे तुम। कह देता हूँ, दिल का क्या राज है जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम
चांदनी भर गए। वाकई में बहुत सुपर खाना था यार, बनाइए खतरनाक। सोचो ना दिन भर जब मैं एक बार भी ये सब्जी नहीं खाया हूँ भाई, मार्केट का फूड इतना खाता हूँ तो बहुत कम ही घर का लगता है मैं खाता हूँ, है कि नहीं। खिलाओ यार, बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए भाई, बाकी खा करके मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो खाना वाना तो हो गया भाई, बड़ा ही दिन के बाद आज मैं छत पे लोगड़ा रहा हूँ। सुरभि के शादी में फिर एक दिन पे लोगड़ा था रतिया, मुझे मैं थक गया था ना, पता है मेरा सर लग रहा था कि फट जाएगा एकदम, इतना अथी हो रहा था, मैं खड़ा होता था चक्कर आ रहा था, इतना जगरना, तीन चार दिन से जगरना था यार निशा, समझ रही है। जिस दिन डांस हो रहा था तीन दिन से, 19 के बाद तो जगरने ही था मेरा, सोते थे लेट से एडिट विडिट करके, सवेरे से उठाता था हल्ला कर करके, तो बतिया ही ना है यार, कैसे तुम बोल सकती हो निशा इसे। तो खाना वाना हो गया तुम्हारा भी, कैसा लगा तुम्हें खाना? बढ़िया। देखिए ये टावर आप लोगों को जो दिख रहा है, ये जब बन रहा था ना तब मैं बहुत बच्चा था, ये टावर वो जब बन रहा था तो वहाँ जब खाना आया था निशा उसका पिलर के लिए, तो बहुत मिट्टी निकला था, तो मिट्टिया पर से ससर ससर के हम लोग खेलते थे, रानी घर से आए थे तो देखे थे कोड़ा आया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चले नीचे, वो भाई हमारा झंडा देखो निशा हिल रहा है, जय श्री राम, हनुमान जी है उस झंडा में, है ना। चलो चले, इवनिंग व्यू रहा हमारे छत पर से, वो देखो लाइट है जो जल रही है ना, यही है वो टावर जिसकी मैं बात कर रहा, ये रहे हमारे श्री हनुमान जी, ये रही हमारी निशा जी। तो चलिए निशा जी नीचे, चलिए जी बेडशीट उठाओ, मेरा माइक दे दो, चलो मैं अपना कॉपी उठाता हूँ टॉपिक वाला। ठीक है लाओ, ले लेता हूँ ये। चलिए भाई चलिए चलते अब अपना रूम में, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं भाई। चलिए सॉरी भाई, आप लोगों को ब्लॉग ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, उसके लिए दिल से सॉरी यार भाई, था ही नहीं मैं अपने घर में, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया हुआ था, और ना ही ये वाली फ़ोन थी जिससे कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ कि अपने दोस्त के साथ ब्लॉग बनाऊँ, एक सेल्फी तक नहीं ले पाया हूँ। खैर कोई नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, हुआ बागी का नाम है सागर, सो ही इज़ माई वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में आता है भाई, हम बहुत बढ़िया बहुत अच्छा मित्रता है, बहुत पुराना वो मित्र है। और बाकी इस वीडियो के यहीं रोकेंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी प्रकार की हेल्प के लिए इंस्टाग्राम पे आइएगा, ठीक है। बिल्कुल पता है, बात ये था ना कि मैंने टेंशन में बहुत ज़्यादा आज हो गया था, और वो टेंशन का कारण पता है क्या है, मेरा फेसबुक नहीं चल रहा था, मुझे लगा वो हैक हुआ क्या एक बार, क्योंकि मेरा फेसबुक हैक हो चुका है। उसके बाद मेरा इंस्टा खोले तो इंस्टा भी गड़बड़ हो रहा था, कुछ ना कुछ आ ही नहीं रहा था कुछ, बोले वो भाई कितना लड़का लोग बात कर रखा है रूम मेरे जो जॉब उनका क्या होगा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि हुआ क्या ऐसे कैसे। मैं तो अभी कम्युनिटी लगाता तुरंत जा करके, मैं वहाँ यूट्यूब पे तुरंत कम्युनिटी लगाता कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ओ भाई व्हाट्सअप, वो पटना की थी जिसका स्टेटस अभी तुम्हें व्हाट्सअप पे देखी ना, आई नो, हाँ तुझे पता है ना सबके बारे में, जान रही हो मेरे व्हाट्सअप पे वाले में। चलिए कोई नहीं, बाकी इस ब्लॉग को यहीं रोकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट करिएगा, किसी प्रकार के हेल्प के लिए इंस्टा पे आइएगा, इंस्टा की आईडी राहुल जगह 00, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, लव यू मेरे भाई, मिलते हैं किसी और ब्लॉग।